एवरीवन, आज हम फ्रूट बास्केट बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बास्केट बनाएंगे। बास्केट बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वन कर्व, देन अगेन कर्व, कर्व। इस तरह से कर्व बनाते जाएंगे, हमारी बास्केट आगे बढ़ती जाएगी। देन स्टॉप, देन यहाँ से हम इसको सर्कल लेंगे और अगेन कर्व। ये हमारे बास्केट का ऊपर का पोर्शन बन रहा है। अब इस बास्केट को इस तरह कर्व से जोड़ के बना दिया। अब यहाँ से हम डाउन स्ट्रेट लाइन लेंगे, वन मोर लाइन डाउन स्ट्रेट फ्रॉम हियर, और ये बास्केट का नीचे का पोर्शन रेडी। क्यों है ना बच्चों, इजी बास्केट। अब हम बनाएंगे ग्रेप्स। ग्रेप्स बनाने के लिए हम बनाएंगे सबसे पहले ग्रेप्स की स्टेम, फिर स्मॉल ओवल, एंड देन अगेन ओवल। कुछ ग्रेप्स ओवल में, कुछ ग्रेप्स सर्कल में। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा बन जाएगा ग्रेप्स का बंच। अब ग्रेप्स का बंच बनने के बाद, ये ग्रेप्स का बंच बास्केट के बाहर नहीं दिख रहा, अरे ये तो बास्केट के अंदर है। ठीक है, अब हम बनाएंगे ग्रेप्स की लीव्स लाइक दिस। अब हमें बनाना है इसके पास, क्योंकि ये फ्रूट बास्केट है इसलिए मैं यहाँ बना रही हूँ एक स्माइल, उससे जुड़ी एक स्टेम, और इसके सेंटर से स्टार्ट करके बनाएंगे हम एप्पल। देन अगेन हम बनाएंगे बनाना, इसके लिए हम बनाना की ऊपर की स्टेम यहाँ से जोड़ के वन कर एंड जॉइन विद एप्पल, एंड यहाँ से भी कर लाइक डी। अब हम बनाएंगे पैर, स्माइल स्टेम, स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल कर एंड स्टॉप, स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल कर, देन डाउन कर एंड देन अगेन कर्व लाइक डी, एंड दिस इज पैर। अब हम बनाएंगे बास्केट में आईज, दो बिग आईज बनानी है, टू बिग आईज लाइक दिस। अब इसके अंदर हमें दो स्मॉल सर्कल बनाने हैं और उसमें और छोटे स्मॉल सर्कल। अब इसका हमने बास्केट के लिप्स बना लिए, इससे ये हमें बास्केट क्यूट लगेगी एकदम से। अब हम बास्केट में थोड़ी सी डिजाइनिंग कर देंगे तो वह बास्केट का लुक नजर आएगा हमें लाइक This। ये बहुत इजी है, आप आराम से करिएगा, बहुत आराम से आपका ड्राइंग बहुत ब्यूटीफुल लगेगा लाइक दिस। वाओ, अब हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले ग्रेप्स में कलरिंग करेंगे। ग्रेप्स में कलर करने के लिए मैं ले रही हूँ पर्पल कलर। कलर हमेशा एक ही डायरेक्शन में करेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, कभी हाथ ऐसे और कभी हाथ ऐसे नहीं चलाना है। आप चाहे तो ग्रेप्स ग्रीन कलर के भी बना सकते हैं लाइक दिस। अब हम ग्रेप्स की लीव में कलर करेंगे। मैं ग्रेप्स की लीव्स में डार्क ग्रीन कलर कर रही हूँ।
फिर हम सारे फ्रूट्स की स्टेम्स में कलर करेंगे। सभी फ्रूट्स की स्टेम्स में हम ब्राउन कलर करेंगे। मैं क्रेयॉन से कलरिंग कर रही हूँ, आप चाहें तो स्केच पेन का भी यूज कर सकते हैं। अब सारी स्टेम्स हम ब्राउन कलर से करेंगे। कलर आपको एक ही डायरेक्शन में करना है, ऊपर नीचे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। डायरेक्शन देखिए, मेरा हमेशा एक ही डायरेक्शन चल रहा है। एप्पल में कलरिंग करने के बाद में बनाना में कलरिंग करूंगी। आप चाहें तो कलरिंग के लिए पेंसिल कलर्स भी यूज कर सकते हैं। नाउ बनाना येलो कलर। आप कोई भी डायरेक्शन लीजिए, डायरेक्शन पर एक ही चलना चाहिए। अगर आप ऐसे लेते तो ऐसे ही चलना चाहिए, और अगर आप वर्टिकल लेते तो वर्टिकल ही चलना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल। सेम डायरेक्शन में हमको कलरिंग कंप्लीट करनी है उस ऑब्जेक्ट की। अब हम बास्केट के इस ऊपर के पोर्शन में लाइट ब्राउन कलर करेंगे। ये देखिए, लाइक दिस। आप चाहे तो ये कलर कोई दूसरा भी कर सकते हैं। बास्केट में हम ब्राउन कलर करेंगे। जब हम बास्केट में ब्राउन कलर करेंगे तो उसकी आईज में कलर नहीं जाना चाहिए, इसलिए आपको बहुत केयरफुली कलर करना है। आप चाहें तो बास्केट में ब्राउन के अलावा दूसरा कलर भी कर सकते हैं, क्योंकि बास्केट बहुत कलर की होती है, डार्क ब्लू, रेड, येलो, जिस कलर की चाहें आप बास्केट बना सकते हैं। लाइट दिख रहा है वहां हमें अच्छे से कलर कंप्लीट कर देना है। अब जो ये बास्केट का नीचे का पोर्शन है, इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर कर सकते हैं। मैं लाइट ब्राउन कलर ही वापस से यूज कर रही हूँ। अब आप लिप्स में कलर करेंगे, पिंक कलर करेंगे हम लिप्स में। और हम इसकी आईज में ब्लैक कलर करेंगे। ब्लैक कलर करने के लिए हम इसके दोनों सर्कल्स को छोड़ के और आसपास ब्लैक कलर इसमें कर देंगे, लाइक दिस।